कौन कौन ऐसे तालाब में नहाते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग तो बचपन से ही आज तक नहा रहे हैं, क्योंकि बहुत मज़ा लगता है तालाब में डुबकी लगाना, नहाना। थोड़ा सा दिक्कत होता है, छाती दर्द करता है, तो उसके लिए डॉक्टर बोले हैं नारियल का तेल है, तो जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ से वहाँ तक थोड़ा सा लगा के। और आज थोड़ा मौसम बेईमान है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है नीतीश प्रीति ब्लॉग्स में। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। और सुबह का भी बजा है 10, हमारी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और सुबह का भी खाना खा लिए हैं, माड़ भात आलू का चोखा बनाए थे, और मेरे हस्बैंड जी भी खाना खा लिए हैं और अभी जाएंगे बाल कटवाने के लिए, क्योंकि बहुत कोई का कमेंट आ रहा था कि आपका बाल बहुत ज्यादा बड़ा है, बाल कटवाइए। तो अभी जाएंगे कटवाने के लिए और अभी आप लोग को दिखाते हैं क्या कर रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। बकरी का बच्चा लिए हुए हैं, देख सकते हैं कितना प्यारा बच्चा है। दोस्तों आप सबको मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार, और आज का ब्लॉग का शुरुआत मेरी प्यारी पत्नी जी की है। और अभी दोस्तों देख सकते हैं बकरी का बच्चा गोदी में रखे हैं, जो इस बार हुआ है। अभी देख सकते हैं ये भी व्हाइटी कलर है दोस्तों। और अभी हम जाएंगे बाल कटवाने के लिए, क्योंकि देखिए बाल बढ़ गया, इधर कान झप जाता है, इधर भी कान झप जाता है, इधर माथा तो इधर नीचे आ जाता है, इधर कर लिए बाल इधर हो गया। अभी ठीक है, ठीक है। हाँ दोस्तों, ज्यादा बाल बड़ा नहीं रखना चाहिए, कटवा नहीं पाए क्योंकि कारण था, चल गए थे रांची, इसीलिए बाल नहीं कटवा पाए। तो अभी जाएंगे बाल कटवा के आएंगे वापस से हम घर। और फिलहाल अभी आप लोगों को दिखा रहे दोस्तों आज का मौसम कैसा है। आज का मौसम देख सकते हैं कितना साफ किया हुआ है, और आसमान नीला दिख रहा है, बादल छाया हुआ है व्हाइट कलर में, बहुत ही भयानक लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि बादल आसमान से नीचे जमीन में आ जाएगा क्या जी। हाँ, सूर्य भगवान देखे उगे हुए हैं, कितना खूबसूरत लग रहे हैं चारों तरफ का मौसम। थोड़ा थोड़ा अभी हवा भी चलने लगा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। दोस्तों हम लोग रांची से कब आ गए हैं, लगभग 3 से 4 दिन हो चुका है, तो ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर बिजी थे, और साथ में इधर तीज भी था दोस्तों। तो मेरी धर्मपत्नी जी तीज की हम मना भी किए थे, तीज नहीं करना है, लेकिन नहीं माने, बोले हम तीज करेंगे, और तीज कर ही ली और अच्छे से कर ली दोस्तों। पहले से भी तो हम किए थे 2 साल ना, 2 साल पहले से भी की थी, कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ तीज करने से। हमको लगा कि कहीं तबियत खराब ना हो जाए, लेकिन देखते अभी ठीक है, तबियत खराब तो नहीं है। कितने दिन आज हो गया, कल परसों ही था तीज। हाँ, 2 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अभी ठीक लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बीच बीच में कभी कोई थोड़ा सा दिक्कत होता है, छाती दर्द करता है, तो उसके लिए डॉक्टर बोले हैं नारियल का तेल है, तो जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ से वहाँ तक थोड़ा सा लगा के। यहाँ से हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक, नाभि से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, दो भी चिल्ला क्या रहा है। तो नारियल का तेल लगा के थोड़ा सा सहला देना है, तो दर्द थोड़ा कम हो जाता है, और ऐसे ही करती है। तो फिलहाल अभी ठीक है, अभी दवा भी खा रही है, कुछ दिन दवा छूट गया था, इसलिए रिपोर्ट इस बार का थोड़ा अच्छा नहीं आया। जा रहे हम जी, जाइए कटवा के आइए, बाल कटवाने के लिए जा रहे हैं। तब तक हम खाना बनाते हैं दोपहर का, सब्जी लाएंगे तोड़ के, सब्जी तो भी बहुत सारा है खड़ा हुआ। हाँ, झींगा भिंडी, जो इतना मेहनत किए हैं ना वो अभी फल रहा है, बहुत ज्यादा फल रहा है। हम लोग बहुत मेहनत किए हैं धूप में बैठ के, धूप में बहुत काम किए हैं, तब जाके फल रहा है, सब्जी खा रहे हैं हम लोग ताजा ताजा। भूख लग गया है इसको, क्या भूखने लग गया है, मम्मी को बुला रही है। बहुत ही प्यारा लग रहा दोस्तों बकरी का बच्चा, देखो उधर देखो क्या। हाँ दोस्तों अब चले बाल कटवाने के लिए, कुछ लाना है क्या जी, समोसा वगैरह लेते आइएगा, सिंघाड़ा मिल जाएगा, गर्म मिलेगा, ठंडा मिलेगा, बासी मिलेगा, कैसे पता, जो मिलेगा लेते आइएगा। हाँ तो फिलहाल दोस्तों हम चल रहे घर से निकल रहे हैं, खाना बना के रखना जी। ठीक है दोस्तों, फाइनली पहुँच चुके हैं अपना घर, गए थे केस कटवाने के लिए और आ चुके हैं घर। दोस्तों कहाँ है जी, घर पे नहीं है क्या? हाँ। बोलो क्या कर रही थी? खाना बन गया। खाना बन गया? हाँ। क्या क्या बनाई है? चावल और बनाए हैं आज ओल का सब्जी, जो कि कोड़े हैं यहीं पे, ओल था भाई, ओल का सब्जी बनाई है। मेरा केस देखो छोटा छोटा हुआ,
थोड़ा और छोटा करवा लेंगे, थोड़ा और छोटा। हाँ, अगला बार टकले करवा लेंगे। अभी तो कहाँ बड़ा लग रहा है, पकड़ा नहीं रहा उसे, लेकिन ठीक है। दाढ़ी भी बनवा लिए, सेव करवा लिए, अब स्मार्ट ज्यादा लग रहा है ना। थोड़ा ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। दोस्तों कमेंट कीजिए, केस कटवा लिए हैं, आप लोग भी बोल रहे थे तो हमको भी कटाना था, लेकिन कटवा नहीं पा रहे थे क्योंकि रांची चले गए थे, इसीलिए तो अभी कटवा के जस्ट घर आए हैं। और हम चलते दोस्तों नहाने के लिए, तो जी कपड़ा निकाल दो पहनने वाला, और जाएंगे नहाने तालाब, जाएंगे अपना मजा से एकदम डुबकी लगाएंगे। तुम भी जाएगी क्या? नहीं। अब हम चले दोस्तों नहाने के लिए तालाब, तुम भी जाएगी क्या? नहीं। नहीं जाएगी? नहीं। मजा आएगा, चलो ना। नहीं हम नहाएंगे। नहीं नहाएगी? नहाएंगे घर में, क्योंकि अभी पापा को खाना देना है, मम्मी को भी, तो घर में ही नहाएंगे। हमको थोड़ा लेट हो चुका है, थोड़ा लेट से खाना खाएंगे। निकल के आ गए थोड़ा दूर तक और जा रहे अपना तालाब नहाने के लिए। और आज थोड़ा मौसम बेईमान है, कभी हंसता है तो कभी रोता है, इसीलिए साथ में छाता भी ले लिए हैं। देखिए अभी तो गिर गए रहते नीचे, गियारी में चलना थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, डिफिकल्ट होता है, देख के चलना पड़ता है। और एकदम पानी एकदम खचा खच भरा हुआ है, खचा खच। अभी आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों, तालाब का पानी एकदम फुल टल है। दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं तालाब, अब एक जगह कपड़ा रखते हैं और छाता भी, और रख दिया दोस्तों। मौसम अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं, जगह कितना खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी पूरा हरा भरा है खेत चारों तरफ, अभी हवा भी चल रहा है और आसमान देखिए, पहले भी बताए बेईमान है मौसम। आज मौसम बेईमान है, देखिए तालाब कैसे टल, मतलब पूरा फूल भरा हुआ है। गर्मी के टाइम में सूख जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, तो अभी बरसात के मौसम में पूरा फूल भरा हुआ रहता है। अभी एक सीढ़ी से उतरो, देखो तो फटाफट से चलते हैं, डुबकी लगाते हैं मजे से। और आज कोई नहीं है दोस्तों तालाब में नहाने वाला, हमको लगता है आके चल गया है सब नहा के, थोड़ा हमको लेट हो गया, हम कहीं थे केस कटवाने के लिए, इसीलिए बाल कटवाने, तो अभी अब नहाते हैं डुबकी लगाते हैं दोस्तों। चले डुबकी लगाने के लिए, अभी मज़ा आएगा। कौन कौन ऐसे तालाब में नहाते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग तो बचपन से ही आज तक नहा रहे हैं, क्योंकि बहुत मज़ा लगता है तालाब में डुबकी लगाना, नहाना। हर हर महादेव। मज़ा आ गया, अभी तैरते हुए उधर चल जाएंगे हम। इस तालाब में इस पार से पानी के नीचे नीचे ही हम उस पार जाके निकलते थे जब छोटे थे तब, और आज भी निकलते हैं, लेकिन मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं है, क्या मोबाइल पकड़ता कोई रिकॉर्डिंग करता तो भी आप लोगों को दिखा देते, यहाँ से डूबते और यहाँ से जाके हम ऊ कोना निकलते नीचे ही पानी के अंदर ही। दोस्तों नहाना हो चुका है और अब चले घर, अभी मौसम थोड़ा सा साफ किया हुआ है, फिर बादल छा जाता है, मतलब धूप और बादल, तो फिलहाल अभी चलते हैं घर दोस्तों, अब खाना खाएंगे, भूख लग चुका है दोस्तों। चलिए खाना खाने के लिए, और खाने में दोपहर में स्पेशल क्या मेरी धर्मपत्नी जी बनाई है, अभी आप लोगों को दिखा रहे। इधर रहा चावल, इधर नींबू, इधर ओल का सब्जी झोर, बड़ा ही टेस्ट लगता है, और इधर एक डूबी माड़ जो स्पेशल है मेरे लिए। इधर खा रही है प्रीति जी, इधर प्याज ली है, नींबू, इसमें सब्जी अपना। कैसा टेस्ट है जी सब्जी का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम भी चले दोस्तों खाने के लिए, भूख लग चुका है। हमको नहीं दिया प्याज, काच मर्चा तोड़ के लेना है, नहीं लाई नहीं। चलो ऐसा ही खा लेते हैं।